हेलो फ्रेंड, इंडियन एडवांस स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नागालैंड एनएम के रिगार्डिंग। नागालैंड एनएम का एप्लीकेशन कब रिलीज़ होगा, एग्ज़ाम डेट कब है, इसका सिलेबस क्या होता है, एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन इसे कैसे फिल करना है, एग्ज़ाम डेट कब आएगा, रिजल्ट कैसे आएगा, काउंसलिंग कैसे स्टार्ट, सभी बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो इस मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। उसे कैसे सर्च करना है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो उसको नागालैंड एएनएम 2021 और आगे डालना आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक ऐसा एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड नागालैंड एएनएम के रिगार्डिंग सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है iaspaper.net, उसे क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आप आईएएस पेपर की वेबसाइट पर जाएंगे। आईएएस पेपर यहाँ पर आपको दिखेगा नागालैंड ANM 2020 एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस। यहाँ पे इस पेज में सभी जानकारी आपको मिल जाएगा, इसका एप्लीकेशन कब रिलीज़ होगा सभी। जैसे नागालैंड ANM 2021 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल सून, इसका फॉर्म अभी तक आया नहीं है तो जल्दी आ जाएगा। तो उससे पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। इस पर आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है आपका वो, आप कौन से स्टेट से हैं, जो भी स्टेट से रहेंगे जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, जहाँ के भी रहेंगे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना सिटी सिलेक्ट करना है, जो भी सिटी में रहेंगे आप उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, जैसे आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है ज़्यादा, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, BCA, MCA, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मीडिया, फिल्म, जर्नलिज्म, आर्क एंड ह्यूमनी, लॉ, साइंस, BSc, MSc, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट रहेगा उसे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर, पीजी, जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन रहेगा उसे क्लिक करके गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना। जैसे आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे तो नागालैंड एएनएम के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको आपके मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू या आपके जीमेल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड होते रहेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है नागालैंड इज द माउंटेन स्टेट ऑफ नेत्र इंडिया, नागालैंड ANM 2021 कंडक्ट बाय द नेशनल हेल्थ ऑफ मिशन, उसे कंडक्ट कर रहा है नेशनल हेल्थ ऑफ मिशन नागालैंड। द स्टेट ऑफ कर्सोत असम, वेस्ट अरुणाचल प्रदेश, मणिपाल, साउथ। द स्टेट हैज एरिया 160 square kilometers, स्टेट ऑफ मेकिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, से बेसिक जानकारी दी हुई है उसे अच्छे से रीड कर लेना आपको कितना किलोमीटर। उसके बाद आपका नागालैंड ANM 2020 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन रिलीज सुन, इसका एप्लीकेशन जल्दी रिलीज़ होगा। और एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा, आपको एप्लीकेशन यहीं पे मिल जाएगा, नागालैंड ANM 2021 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल सुन, क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल। एप्लीकेशन डिटेल देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और वही लिंक आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ से भी जाके आप अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। जैसे आप इस पेज की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इस पेज को चेक कर सकते हैं। आपको चेक करते ही रहना है, कभी भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो सकता है। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट डेट, जो भी इम्पोर्टेंट डेट रहता है वो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। अभी टेंटेटिव मतलब ये डेट, कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे कोई भी डेट ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस होगी तो आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे कभी कभी क्या है, कोई चीज़ खुलता है, कोई चीज़ नहीं खुलता है, तो उस पर क्या है, आपको इसके लिए ये अलग से वेबसाइट बनाई गई है जहाँ पे आपको थोड़ी भी परेशानी ना हो और आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाए इस वेबसाइट पे। इसके लिए ये वेबसाइट अलग से बनाई गई है। आपको इवेंट जो भी रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, रिजल्ट, आपको जो भी रहेगा आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगा, किस डेट को क्या रिलीज़ होगा आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है नागालैंड ANM 2020 एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ होगा। आपको उसे कैसे फिल करना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसमें आपको अपना डिटेल डालना है, बेसिक डिटेल, जैसे आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है,
आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, आपने ग्रेजुएशन किया है कहाँ से किया है, आपने 10th बोर्ड कहाँ से दिया है, आपने 12th बोर्ड कहाँ से दिया है, वो सभी जानकारी आपको डालनी है आपके पास। अब उसके बाद आपको पेरेंट डिटेल डालना है, आपके पेरेंट का डिटेल डालना है, वो करते क्या है, वो चीज़ डालना है। उसके बाद अगर हो जाएगा, उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपका फ़ोटो अपलोड करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, अगर ऑफलाइन रहता है तो आपको अटैच करना पड़ता है, जैसे ऑफलाइन में आपको अटैच करना पड़ता है सभी डॉक्यूमेंट का जेरोक्स या डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई कोई आपको, जैसे ऑफलाइन में डॉक्यूमेंट अटैच करके देना पड़ता है वैसे ऑफलाइन में ऑनलाइन में आपको अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पर। तो आप वहाँ पे अपना ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कहाँ तक रहना चाहिए पढ़ा, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास, मतलब 12th आप किए रहने चाहिए आर्ट्स साइंस स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स या साइंस की स्ट्रीम से, और 10th क्लास भी पास, 10+2 मतलब 10th क्लास, 1 ईयर ऑफ ड्यूरेशन कोर्स ऑफ द एलिजिबिलिटी 10+2। एज लिमिट, आपका एज लिमिट कितना रहना चाहिए, आपका मिनिमम मतलब 17 से कम नहीं रहना चाहिए, आप 17 के रहेंगे चलेगा। नेशनैलिटी आपका इंडियन रहना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप, और क्वालिफिकेशन आपका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन 10+2 एग्जामिनेशन फॉर आर्ट्स एंड साइंस, यानी से आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट फॉर द रिकॉग्नाइज बोर्ड। आपको मिनिमम मार्क्स, आपको मिनिमम मार्क्स 12th में 40% टू 50% तक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए एडमिशन के लिए। आपको एडमिशन प्रोसीजर, आपको एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, ऑनलाइन प्रोसीजर, एप्लीकेशन नीड टू मैनेज द वेबसाइट ऑफ कॉन्सेप्ट इंट्रेंस एग्ज़ाम, फिल द रिक्वायरमेंट आफ्टरवर्ड प्रिंट द, आप अपना पूरा जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ पर आप फिल करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन का जेरोक्स निकाल लेंगे, मतलब प्रिंट आउट उसका निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको डीडी वहाँ पे डालना है। अमाउंट नीड टू रिफ्रेश द प्रीमेंट एग्ज़ाम बॉडी, एग्ज़ाम बॉडी पे डीडी आपको फिल करना है। एप्लीकेशन ऑफलाइन प्रोसेसर, ऑफलाइन प्रोसेस भी यहाँ पे है, आपको ऑफलाइन प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। कंडक्टिंग नीड टू फॉर्म कंप्लीट द ब्राउचर एग्जाम ड्यूरिंग द बॉडी सेलेक्ट द कंट्री फिनिशिंग द रिसर्च, यहाँ पे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एप्लीकेशन फिल्म एडमिशन प्रोसेस के एप्लीकेशन भर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई रहेगी। अगर कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन है उसे कैसे फिल करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जब इसका एप्लीकेशन का फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा। तो आप मेक श्योर इस वीडियो, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सभी चीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, सभी डेट आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे जैसे फॉर्म आया था मैं आपको फॉर्म भरने के लिए बोल दिया था, तो ये फॉर्म आप जैसे फिल करेंगे तो नागालैंड ANM की रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको मोबाइल नंबर के SMS के थ्रू अब या आपके जीमेल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड होते रहेगा। तो आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप आके इस वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा ऑफलाइन। अब उसके तुरंत बाद आप, मैं वीडियो बना दूंगा तो आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को।